टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रक्षाबंधन मेकअप लुक। आई होप ये लुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज इसमें मैंने टू टाइप्स के हेयर एंड टू टाइप्स के इयरिंग वेयर करके दिखाई है। इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहें तो जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया आज का हमारी वैदिक का हल्दी चंदन फेस पैक। ये फेस को ब्राइट करता है और लाइटनिंग करने में हेल्प करता है। सो मैंने 5 मिनट लगाने के बाद नॉर्मल वाटर से मैंने इसे वॉश कर लिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया गुड वाइब्स का ये रोज मिस्ट है। ये क्या करता है, ये हमारे जो फेस को रिफ्रेशिंग स्टोर करता है, रिस्टोर करने में बहुत हेल्प करता है। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया पॉन्ड्स के वाइट ब्यूटी फेयरनेस क्रीम। ये SPF भी है 15+। देन उसके बाद मैंने अपने पूरे फेस पे लगा के और उससे अच्छे से मैंने अब्जॉर्ब कर लिया है, ताकि दिन में हमारा मेकअप जो है वो धूप की किरणों से यानी कि यूवी रेज से बचे रहें। ओके, ब्राउज को फिल करते, मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में ब्राउज सबसे पहले फिल की हैं। तो मैंने यहाँ ADS के ब्राउन फिलिंग ली है। ADS के काफ़ी कलर आते हैं, तो ब्राउन जो डार्क शेड होगा आप उसे पिक कर सकते हो ब्राउन फिलिंग के लिए। एज़ यूजल जैसे मैंने हमेशा फिल करती हूँ। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, जो कि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने यूज़ किया यूरोप गर्ल का कंसीलर 4.0 शेड मैंने लिया है। सो इसमें काफ़ी शेड अवेलेबल होते हैं और मिल जाते हैं आराम से। ओके, तो ये क्या करता है, मतलब बहुत ही अच्छे से हाइड भी करता है, और इसी से ही मैंने अपने आईब्रोज को भी इन्हांस किया है, आप देख सकते हो। कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है पॉन्ड्स का मैजिक पाउडर। गाइस, ये सीरियसली ट्रांसल्यूशन पाउडर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये उसका काम करता है, और अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसकी। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया एलईडी रूडा का शेडो पैलेट। तो मैंने एक लाइट कलर पिक किया है जो कि हल्का सा येलो टोन में है वो। देन उसके बाद मैंने पीच कलर को पिक किया है। एलईडी रूडा का जो पैलेट है ये बहुत ही सस्ता पैलेट है, अफोर्डेबल है, हर कोई इसे बहुत अच्छे से बाय कर सकता है। ओके, देन मैंने यूज़ किया है एक वुडी कलर, जो कि मैंने हल्का सा अपनी आईज़ को लिफ्ट करना था। अगर आप आईलैशेस नहीं लगाएंगे तो इससे भी बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है, और कॉर्नर में जहाँ आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पे मैंने हल्का सा यूज़ किया है। और देन उसके बाद मैंने मस्कारा लगाकर अपनी आईज़ को लिफ्ट कर लिया, कि अगर मैं फॉल्स लेसेस ना भी लगाऊं तो काम चल जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, और मेरा जो शेड है वो है स्टैम गोल्डन टैन। बहुत ही अच्छा इसका फाउंडेशन आता है, नॉर्मल टू हाई कवरेज देता है इसका। और मेरी जो ऑयली स्किन है तो मैंने जो यूज़ किया नॉर्मल टू ऑयली स्किन का फाउंडेशन यूज़ किया। यूरोप गर्ल का कंसीलर मैंने यूज़ किया थोड़ा सा हाईलाइटिंग के लिए फेस को। ओके, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मैंने वहाँ वहाँ से यूज़ किया है, और होट लिप्स के अपने जस्ट कॉर्नर में मैंने इसे लगा क्योंकि हल्का सा वहाँ ब्लैक लगता। और फाइनली फिर मैंने अगेन यूज़ किया है ये पाउडर। मतलब मैं यूज़ कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा आ रहा था यूज़ करने में, इतना स्मूथ था कि मज़ा आ रहा था यूज़ करने में इसको सीरियसली, और बहुत अच्छा लगा मेरे को यूज़ करने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, बेक होने के बाद मैं इसे यू नो पाउडर वैसे मैंने जितना भी है डस्ट आउट कर लिया है। आईज़ को ड्रामेटिक दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया NYB का काजल है, जो कि मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। आप चाहो तो यू नो ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, उसके बाद मैंने ब्लैक कलर लिया है, इसे स्मच आउट किया है, वो भी आउटर वी के लोअर लैश पे। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया शुगर का ये ब्रॉन्जर, और मेरा जो शेड है 01 है। इसे मैं अपने नोज़ कॉन्ट्रोलिंग करूँगी और ब्रॉन्जर मैं सेम यही लगाऊंगी। यहाँ मैंने लिया है एलईडी रूडा का ये ब्लश पैलेट है। जितने भी ब्लैक पैलेट में जो कलर हैं वो कुछ मैट है, कुछ शिमर है, बहुत ही अमेजिंग है ये। यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, बहुत अच्छा लगा ये हाइलाइटर मैंने यूज़ किया। तो और नोज़ पे मैंने लगाया चिक ऑफ द बोन्स, फोर हेड, और चिन पे मैंने अपने लगाया। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है लोटस की लिपस्टिक, और मेरा जो शेड है मैंने डार्क शेड यूज़ किया एज अ यू नो लिप्स के आउटलाइन के लिए। देन उसके बाद ये जो कलर ये पर्पल डार्क पर्पल कलर है, और फिर मैंने यहाँ पे लिया है लॉरियल की पीच कलर है। इन दोनों को मैंने मिक्स करके ग्लॉसी लिप्स रेडी किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा होट को बिग दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है ADS का ब्राउज पेंसिल, जो उसे मैंने अपनी
यू नो लिप्स के कॉर्नर में मैंने इसे बहुत अच्छे से लगाया ताकि मेरी लिप्स यू नो उठी हुई दिखे, थोड़ी सी बिग दिखे। सो फाइनल ये लुक है, आई होप ये लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइए।